हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 जुलाई श्रीलंका प्रीमियर लीग जो कि स्टार्ट हो गई है। तो इस टूर्नामेंट में टोटल 5 टीम्स आमने सामने होंगे, यहाँ पे काफ़ी रोमांचक मुकाबले भी चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के 6ठे मुकाबले के बारे में, जो कि एक तरफ जाफना किंग्स है तो दूसरी तरफ गेल मार्बल्स है। इन दोनों की इस साल ये टूर्नामेंट में दूसरी टक्कर होने वाली है, जो कि 2 जुलाई को पहले मैच हो चुका है, जिसमें गेल मार्बल बाजी मार के आ रही है। ये दोनों टीम 5 जुलाई को रंगीरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगी, ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, विकेट धीमा होता जाता है, जिससे स्पिनरों को मदद मिलती है जो मिडिल ओवरों में इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। दूसरी ओर सिम बॉलर पिच द्वारा प्रदान की जाने वाली उछाड़ और पेस का फायदा उठा सकते हैं। अब बात कर देंगे विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, क्योंकि बॉलिंग फॉर्स का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 164 है, वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 149 है। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोनों टीमों का हिट टू हिट भी देख लेते हैं, जो कि जाफना किंग 5 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर गेल मार्बल्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बात करते हैं पहली टीम यानी जाफना किंग्स का शॉट एनालिसिस करेंगे। किंग्स ने हार के बाद टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, लास्ट गेम में बैटिंग में टीम ने 177 रन बनाए थे। वहीं पर प्रथम निशांकान कुशल मैंडिस टीम के लिए ओपन किया था, नंबर 3 पर जो कि अविष्का फर्नांडो 59 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में रायल विश्व के साथ कप्तान चाहे थे, श्रीलंका को पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। बॉलिंग में बात करें तो थोड़ी बहुत कमजोर दिख रही है और फ्लॉप भी गई है, टारगेट सेव नहीं कर पा रही। ऑस्ट्रेलिया के जेसन ब्रांड प्रमोद मधुसूदन पेस अटैक को लीड करेंगे, जहां पर अस्तिता फर्नांडो एंड फैवेलन ने 2-2 विकेट लिए थे। वहीं पे विजयकांत व्यासकांत और धनंजय देसिल्वा टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब बात करते हैं जाफना किंग का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि प्रथम निशांका है, कुशल मेंडिस है, इसका फर्नांडो रिली रोसो है, चहित श्रीलंका है, धनंजय दी सिल्वा है, फैवेन एलन है, जैसन बैंड्रेफ है, प्रमोद मधुसूदन है, विजय कांत व्यासकांत है, सीता फर्नांडो। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि चहित श्रीलंका है, इसका फर्नांडो और फैवेलन है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी गेल मार्बल्स का शॉट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर गेल मार्बल्स ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया। इस सीजन में निरोशन डीके वेला टीम के न्यू कप्तान है। ओपनिंग में एलेक्स हेल्स है, डिक्की वेला खेल रहे हैं, इसने 65 रन बनाए हुए, डिक्की वेला ने 47 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ट एंड बनुका राजस्पक्ष जो मिडिल ऑर्डर में टीम को स्टेबल करेंगे, जहाँ पर जनित लियांग और ड्वेन पिटोरिस टीम के ऑलराउंडर है। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम ने टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए। यहाँ पे जहूर खान ने 3 विकेट लिए थे, वहीं पिटोरियस ने 2 विकेट लिए थे, महेश थिचना को विकेट नहीं मिला था, इशरू राणा जो लास्ट गेम में काफ़ी महंगे पिट गए। अब बात करते हैं गेल मार्बल का प्लेइंग 11 देखते हैं, क्योंकि निशन डिक्वेला है, एलेक्स हेल्स है, बनुका राजापक्ष है, टीम साइफर्ट है, जेनित लियांग है, इशरू राणा है, ड्वेन पिटोरियस है, महेश थिचना, जहूर खान है, साहब अर्चीज है, मसाला ताऊ फती है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया है, जो कि किम साइफर्ट है, बनुका राजापक्ष है, एलेक्स हेल्स है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। गेल के पास पिछले सीजन का स्टार बैटर्स किमी है, फिर भी उनके पास कुछ अच्छे बॉलर है। जाफना के पास इस मुकाबले में लीड ऑल, जिसको देखते हो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच बिना जाफना किंग्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।